सर्वंगल मांगल्ये शिवे सर्वाति साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य आशीष टंगवाल और आप देख रहे हैं हमारा एसटी योगी चैनल। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त के राशिफल के बारे में। मित्रों, राशिफल के बारे में तो बात करेंगे ही, परंतु इससे पहले आपसे एक विशेष अपील है आपसे। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेष लग्न से। लग्नेश जो स्वामी है कुंडली के अंदर वो है मंगल, और मंगल विराजमान है चंद्रमा के साथ में। तो चंद्र मंगल का योग है जो कि बहुत ही शुभकारी है। चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। विशेषकर उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जिन भी जातकों का जो जन्म होगा इस मंथ में जिनका होने वाला है। साथ में अगर देखा जाए तो जितनी भी राशियां राशियों के ऊपर भी इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा भी पड़ेगा, थोड़ा बुरा भी रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो कुंडली के अंदर है अपने से 12वें स्थान में है, शनि भी अपने से 12वें स्थान में है, वक्र भी चल रहा है, तो इसलिए वक्र ग्रहों का भी प्रभाव थोड़ा बहुत रहने वाला है इसमें। तो देखा जाए तो समय जो है इस मंथ का वो अप डाउन थोड़ा सा रहेगा, तो इसलिए राशियों के ऊपर इसका जो प्रभाव है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी रहने वाला है। राशि अनुसार यह मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है, इस संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी पत्रिका के अंदर बुध स्वराशि का विराजमान और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो अगर हम बात करें शरीर की बात करें शारीरिक रूप से थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है, क्योंकि राहु साथ में बैठा हुआ है तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस मंथ में। धन की बात करें तो धन क्षेत्र में जो है कुंडली के अंदर चार ग्रहों का योग है, जिसमें कि मंगल भी है, सूर्य भी है और शुक्र भी है और चंद्रमा भी विराजमान है कुंडली के अंदर। तो वैसे तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। कुछ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे रहने वाले हैं इसमें, धन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्यार के मामले में थोड़ा सा समस्या है, प्रेम कारक स्थान में जो है शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव है और शनि वक्र बैठा हुआ है, इसलिए जीवन साथी के साथ में जो है सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। विशेष करके जो भी व्यक्ति जिनका अभी अभी जो है कोई एंगेजमेंट टाइप की कुछ हुई है तो उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, या कोई अभी कोई लविंग रिलेशनशिप में अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा दिक्कतें रह सकती हैं। करियर की बात करते हैं तो करियर का स्वामी कुंडली के अंदर बृहस्पति जो कि कुंडली में बैठा हुआ है आपके कॉम्पिटिशन के घर में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है, उसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। प्रमोशन वाले योग भी अच्छे बन रहे हैं कुंडली के अंदर, साथ में कुछ इसमें परिवर्तन के लिए जो काफ़ी समय से आप कुछ चेंज चाहते थे वो चेंज करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है इसमें। बिजनेस की बात करें तो व्यापार जगत में भी आपको जो है कॉम्पिटिशन रहेगा, परंतु उसमें सफलता मिलेगी इसमें, तो जितनी आप मेहनत करेंगे प्रयास करेंगे उसके हिसाब से आपको सफलता मिलने के योग अच्छे बनेंगे। परिवार की बात करें तो पारिवारिक जो जीवन है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी रहने वाली है, फैमिली का सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो समय जो है इस मंथ का जो है अच्छा जाने वाला है आपके लिए। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें।